वेलकम बैक इन मॉर्निंग जिंदगी. आज हमारे साथ गोलमाल, नुमान जावेद और जैनल आबदीन मौजूद हैं. और जैनल आबदीन हमें कुछ गाना सुना रहे हैं. तो हम गोलमाल, अगर आपकी इजाजत हो तो हम गाना सुन लें. इरशाद 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 क्या कह रहे हैं? इरशाद 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 इसी का नाम इस वक्त छुए छुए यार तोतली जबान. बच्चा तोतली जबान में क्या छोटे से थे ना जब तुम खेला करते थे बस उसी तरह तुम तो नहीं होते थे ना मेरे साथ. शुक्र करो. चलो ओके बचपन के खेल अभी तक रखो. मैं गंदी बातें नहीं सुन सकता. डैम गाना गाओ. गाना गाओ प्लीज गाना गाओ. ओके एक मेरे बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की है जो हम सबका मुश्तरक दोस्त है आगा और साथ साथ जितने भी फैंस हैं जितने भी लोग हैं इस वक्त देख रहे हैं गुड मॉर्निंग. और सना का आज आखिरी दिन है. मत याद कराओ मुझे. नुमान जावेद ने जितना रोया है ना मेरे ख्याल में मैं भी इतना नहीं रोई होंगी. गाना गाओ गाना गाओ. मेरी जान मैंने ढूंढा ये जहां. मेरी जान कोई तुझसा है कहां. रिपीट. मेरी जान मैंने ढूंढा जहां. मेरी जान कोई तुझसा है कहां. तेरी तरह कोई नहीं. तुझ में बसी खुशबू मेरी छुए 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 उन प्यारी रातों में. ओ आए आए प्यार मुझे तेरी बातों पे. ओ ऐसे में मेरी जान तुझ जाएगी. मेरी जान तो निकलती जाएगी. बहु में ले ले आकर आज रात बेकरारी बढ़ती. अब जो मैं कहूंगा वो नुमान एक एक लाइन रिपीट करेगा. तेरी सांसों की बिखरी सरगम का छेड़ सुर कोई माधम माधम. छेड़ सुर कोई माधम माधम. करे घायल मुझको हरदम. करे घायल मुझको हरदम. बातें हो तेरी तेरे दम. मेरा सुना है जहां. मेरी जान तुझे ढूंढूं मैं कहां. तेरी तरह कोई नहीं. खुशबू मेरी जुए 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 उन प्यारी रातों में. वो शुक्र अल्लाह गाना खत्म. बैटरी खत्म हो रही बंदे की. मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गया है. एवरी टाइम मैं ये गाना सुनती एवरी सिंगल टाइम इट हैज हैपेंड कि वो मुझे पहले से बेहतर लगता है. पता नहीं क्या. हालांकि गाना बहुत अच्छा है. इट्स परफेक्ट एज इट इज बट इट साउंड्स बेटर एवरी टाइम यू सिंग इट. इट्स अमेजिंग. वैसे सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सबके दरमियान. यार मॉर्निंग शो ने आपके लिए इतना अच्छा बुके रखा है. आपके बराबर में रखा. प्लीज एक्सेप्ट कर लें. बच्चे खुश हो जाएंगे. सबको दुआ दें जो सदियों से आपके साथ है. आप तो बातें शगलों में लगी हुई है सदियों. अच्छा एक मिनट मैं फिर सबको बता. आपने सबका नाम कहा है मेंशन करने को तो मैं जरूर करूंगी. मेरी पूरी टीम जो मेरी कोर टीम थी जिन्होंने मेरे साथ पूरा साल काम किया. बहुत सारे लोग हैं. आई वाज थिंकिंग कि मैं किन किन लोगों का नाम लूं और किन लोगों के साथ जो मेरी अपनी फीलिंग्स है मैं मेंशन करूं. फैज और साद मेरी और नशाबा तीन लोग मेरे ऐसे थे जिन्होंने मेरे साथ क्रिएटिविटी के प्रोसेस में इतना ज्यादा साथ दिया है. पैकेजेस हो रहे हैं मेरी डांटें सुन रहे हैं उसके बावजूद काम कर रहे हैं. मेरा ख्याल जितना इन लोगों ने रखा. आई कैन इवन बिगिन टू टेल यू. मेरी चाय प्रोवाइडेड होती थी. खाने से ज्यादा चाय इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. सो चाय प्रोवाइडेड होती थी. मेरी डांटें सुन रहे होते थे. टाइम लगाते थे मेरे साथ पैकेजेस पे. इट वॉज वंडरफुल. नशाबा की सबसे खास बात यह थी कि वो हर थोड़े दिनों में मुझे जस्ट बिकॉज गिफ्ट देती थी. और वो गिफ्ट आई वुड बिकम लाइक अ
kid, क्योंकि वो गिफ्ट्स खुलते थे उसमें से 4 करोड़ चीजें निकलती थी, छोटी 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 अडोरेबल. मेरे साथ मेरी स्क्रिप्ट राइटर्स होती थी शैलीन और हिरा. शैलीन वॉज माई मदर अवे फ्रॉम माई मदर, क्योंकि मेरी अम्मा वाली अम्मा वाला रोल उसने प्ले किया, क्योंकि वो मेरी सारी बातें सुनती थी. मैं वेंट आउट उसके सामने करती थी. मैं शी वॉज माई कॉन्फिडेंट एंड आई विल ऑलवेज हैव एन अमेजिंग फ्रेंड इन हर. हिरा हमारी एक और स्क्रिप्ट राइटर जिन्होंने मेरा पंचिंग बैग स्लैश ऑपरेटर स्लैश हेल्पर, जितना मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी, मेरी इतनी लड़ाई हुई है हिरा से कि मुझे लगता था कि मैं गला दबा दूंगी और हिरा थोड़े दिनों में मुझे कहीं कत्ल करके गाड़ देगी, बट ऐसा नहीं हुआ. इट वॉज वंडरफुल बिकॉज ओ क्रिक